साथियों, क्वालिटी एजुकेशन की दुनिया में कई पैरामीटर्स हैं, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारा एक बड़ा प्रयास है समानता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्राथमिकता है भारत के हर युवा को समान शिक्षा मिले, शिक्षा के समान अवसर मिले। जब हम समान शिक्षा और समान अवसरों की बात करते हैं तो ये जिम्मेदारी केवल स्कूल खोल देने मात्र से पूरी नहीं हो जाती। समान शिक्षा का मतलब है शिक्षा के साथ साथ संसाधनों तक समानता पहुंचनी चाहिए। समान शिक्षा का मतलब है हर बच्चे की समझ और चॉइस के हिसाब से उसे विकल्पों का मिलना। समान शिक्षा का मतलब है स्थान, वर्ग, क्षेत्र के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन ये है, देश का प्रयास ये है कि गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर वर्ग में युवाओं को एक जैसा अवसर मिले। आप देखिए, पहले कितने ही बच्चे केवल इसलिए नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि सुदूर क्षेत्रों में अच्छे स्कूल नहीं होते थे, लेकिन आज देश भर में हजारों स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के तौर पर अपग्रेड किया जा रहा है। 5G के इस युग में ये आधुनिक हाईटेक स्कूल भारत के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा का माध्यम बनेंगे। आज आदिवासी इलाकों में एकलव्य आदिवासी स्कूल भी खोले जा रहे हैं। आज गांव-गांव इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। दीक्षा, स्वयं और स्वयं प्रभा जैसे माध्यमों से दूर दराज के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छे से अच्छी किताबें, क्रिएटिव लर्निंग टेक्निक्स हो, आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए गांव-गांव ये नए विचार, नई व्यवस्था, नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। यानी भारत में पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधनों का गैप भी तेजी से खत्म हो रहा है। साथियों, आप जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक बड़ी प्राथमिकता ये भी है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित न रहे बल्कि प्रैक्टिकल लर्निंग इसका हिस्सा बने। इसके लिए वोकेशनल एजुकेशन को जनरल एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करने का काम भी हो रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभ कमजोर, पिछड़े और ग्रामीण परिवेश के बच्चों को ज्यादा होगा। किताबी पढ़ाई के बोझ के कारण यही बच्चे सबसे ज्यादा पिछड़ते थे, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब नए तरीकों से पढ़ाई होगी। ये पढ़ाई इंटरैक्टिव भी होगी, साथ साथ
इंटरेस्टिंग भी होगी। पहले लैब और प्रैक्टिकल की सुविधा बहुत ही कम स्कूलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब अटल टिंकरिंग लैब्स में 75 लाख से ज्यादा बच्चे साइंस और इनोवेशन सीख रहे हैं। साइंस अब सबके लिए समान रूप से सुलभ हो रही है। यही नन्हे वैज्ञानिक आगे चलकर देश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लीड करेंगे, भारत को दुनिया का रिसर्च हब बनाएंगे। साथियों, किसी भी सुधार के लिए साहस की जरूरत होती है, और जहां साहस होता है वहीं नई संभावनाएं जन्म लेती है। यही वजह है कि विश्व आज भारत को नई संभावनाओं की नर्सरी के रूप में देख रहा है। आज दुनिया जानती है कि जब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो भविष्य भारत का है। दुनिया जानती है कि जब स्पेस टेक की बात होगी तो भारत की क्षमता का मुकाबला आसान नहीं है। दुनिया जानती है कि जब डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात होगी तो भारत का लो कॉस्ट और बेस्ट क्वालिटी का मॉडल भी हिट होने वाला है। दुनिया के इस भरोसे को हमें कमजोर नहीं पड़ने देना है। बीते वर्षों में जिस तेजी से भारत की औद्योगिक साख बढ़ी है, जिस तेजी से हमारे स्टार्टअप की धमक दुनिया में बढ़ी है, उसने हमारी शैक्षणिक संस्थाओं का सम्मान भी विश्व भर में बढ़ाया है। तमाम ग्लोबल रैंकिंग्स में इंडियन इंस्टीट्यूट्स की संख्या बढ़ रही है, हमारी रैंकिंग में भी इजाफा हो रहा है। आज हमारे आईआईटी के दो दो कैंपस जंजीबार और अबू धाबी में खुल रहे हैं। कई दूसरे देश भी अपने यहां हमसे आईआईटी कैंपस खोलने का आग्रह कर रहे हैं। दुनिया में से मांग बढ़ रही है। हमारे एजुकेशन इकोसिस्टम में आ रहे ये सकारात्मक बदलावों के कारण कई ग्लोबल यूनिवर्सिटीज भी भारत में अपने कैंपस खोलना चाहती है। ऑस्ट्रेलिया की दो यूनिवर्सिटीज गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस खोलने वाली है। इन सफलताओं के बीच हमें अपनी शिक्षण संस्थानों को लगातार मजबूत करना है। इन्हें फ्यूचर रेडी बनाने के लिए निरंतर मेहनत करनी है। हमें हमारी इंस्टीट्यूट्स, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस को इस रिवॉल्यूशन का केंद्र बनाना है। साथियों, समर्थ युवाओं का निर्माण सशक्त राष्ट्र के निर्माण की सबसे बड़ी गारंटी होती है, और युवाओं के निर्माण में पहली भूमिका माता पिता और शिक्षकों की होती है। इसलिए मैं शिक्षकों और अभिभावकों सभी से कहना चाहूंगा कि बच्चों को हमें खुली उड़ान देने का मौका देना ही होगा। हमें उनके भीतर आत्मविश्वास भरना है ताकि वो हमेशा कुछ नया सीखने और करने का साहस कर सके।